दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टर के बारे में। आप जो ये इन्वर्टर देख रहे हैं, हैवेल्स का इन्वर्टर है। ये हैवेल्स का इन्वर्टर है जो हमने सोलर सिस्टम के लिए यूज़ किया था, और इसको हम जो कहते हैं डीसीबी होती है। इसका नाम डीसीबी मींस डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये डीसीबी होती है। और ये जो होती है एसीबी होती है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अभी मैं आपको इसकी रेटिंग दिखाता हूँ इन्वर्टर की, ये कितनी रेटिंग का इन्वर्टर है। दोस्तों आप यहाँ पे इसकी रेटिंग देख सकते हैं, जो रेटिंग जो है, देखिए इसकी रेटिंग, ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। मैं दिखाऊंगा आपको ये रेटिंग, देखते हैं नेम ऑफ आउटपुट पावर जो बता रहे हैं 10,000 वाटेज बता रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि 10 किलोवाट, 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसे इस साइड पे जो हमने ना 10 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया था, तो इसमें कुछ फॉल्ट आया इस इन्वर्टर में। तो आज मैं दिखाऊंगा, आज मैं इन्वर्टर खोलने वाला हूँ और आपको इसको मैं दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते और क्या क्या है। अभी मैं इसको खोलता हूँ, अभी मैं इस अलेंके से इस इन्वर्टर को खोलूँगा। देखिए 5 के अलेंके, इसको मैं खोलता हूँ, इसको इन्वर्टर खोलता हूँ। मैंने इन्वर्टर खोलकर इसे खोल दिया है, अभी मैं इसको निकालूंगा बाहर। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर में क्या क्या होगा। देखिए इन्वर्टर के इनर साइड, अभी मैं इसको डिस्प्ले निकालने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो कॉइल होती है अंदर से, एक कॉइल होती है, और जो मेन पार्ट जो होता है इन्वर्टर का, इसको बोलते हैं हम IGBT। इसको हमने जो इंजीनियरिंग में पढ़ा था, कलेक्टर, एमिटर और गेट, यही होते हैं IGBT। और इसके पार्ट होते हैं, एक कॉइल होती है, इसमें सर्किट होता है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं इसमें यूज़ किए होते हैं। तो अभी इसमें फॉल्ट आया था कि इस इन्वर्टर चल नहीं रहा था, ये ब्लॉक हो गया है। तो अब दिखाऊंगा मैं इसको, अभी इसको देखूंगा पहले मैं IGBT चेक करूंगा कि IGBT जो है, इंसुलेटेड गेट सर्किट, IGBT जो है ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, तो इसको मैं चेक करूंगा मल्टीमीटर के हेल्प से। अभी मैंने मल्टीमीटर के लिया है, इसको मैं ऑन करूंगा। अब देख सकते हैं मल्टीमीटर मेरे हाथ में है। तो मल्टीमीटर में रेटिंग कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये जो ब्लैक नोब होती है हमारे पास, तो इसको कॉमन में लगाना होता है, ब्लैक नोब। देखिए हमने इसको लगा दिया कॉमन में, कॉमन में इसको हमने लगा दिया। और जो होती है रेड नोब, इसको हम यहाँ पे वोल्टेज में लगा देते हैं, इसको हमने वोल्टेज में लगा दिया। और हमें इसको चेक करना है कंटिन्यूटी, जो IGBT कंटिन्यूटी हमें चेक करना है, तो हम इसको लेते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। देखिए कंटिन्यूटी मोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ टच करके। अगर इसको टच करता हूँ, देखिए कंटिन्यू का आवाज़ आता है कि नहीं। हाँ कंटिन्यू आवाज़ आ रही है, हम चेक करें कंटिन्यूली। तो दोस्तों हम इसके IGBT कंटिन्यू चेक करते हैं। देखिए इसमें नॉइज़ नहीं आ रहा है, इसको चेक करके देखते हैं इसमें कुछ है क्या। ये भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसमें देखते हैं हम। तो दोस्तों इसमें हमने एक एक करके सब IGBT चेक कर ले, इसमें कोई IGBT शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो इसका जो मेजर प्रॉब्लम हो सकता है ये बोर्ड का हो, तो हम इसे कंपनी को भेज रहे हैं रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है तो ये 25 साल की वारंटी में आता है, इसलिए हम इसको कंपनी को भेज रहे हैं। ओके अब जो इन्वर्टर का कवर था हैवेल्स का, तो इसको मैं अभी निकाल रहा हूँ। तो डिस्प्ले जो था ये हमें निकालना है, इसको डिस्प्ले को निकालूंगा स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से, क्योंकि इसमें जो होता है तो ऑल का जो सेव होता है, इसलिए हम इसको निकाल कर कंपनी को भेज रहे हैं। तो हमने इसका जो डिस्प्ले था अभी वो निकाल लिया है। देखिए इसका जो होता है कनेक्टर होता है, और यहाँ से हमने डिस्प्ले को निकाल लिया है।
दोस्तों हमने तो अभी इन्वर्टर का जो डिस्प्ले होता है वो हमने निकाल दिया है। अभी इन्वर्टर को अभी मैंने नीचे निकालूंगा और इसको कंपनी को भेज दूंगा, हैवेल्स कंपनी को। उसके बाद वो नए इन्वर्टर हमें देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।